हेलो टू ऑल, मिशन कंपटीशन में आपका बहुत बहुत स्वागत। हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ में। और आज का वीडियो शुरू करूं उससे पहले, जितने भी लोग चैनल के ऊपर नए हैं उन सब के लिए सूचना कि जितना भी हम लोग कंटेंट यहां पर मिशन कंपटीशन के अंदर, इस सीरीज के अंदर, इस चैनल के ऊपर जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, यदि आप चाहते हो कि वो सारा का सारा कंटेंट आप पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड कर पाएं, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आपको सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। जब आप उसको डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर मेनू सेक्शन के अंदर एक स्टडी मटेरियल का सेक्शन मिलेगा। स्टडी मटेरियल के सेक्शन पे क्लिक करोगे तो वहाँ पर मिशन कॉम्पिटिशन का एक फोल्डर मिलेगा। बस वहाँ पर सारे के सारे पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, और हमेशा की तरह आपको मोटिवेट करने के लिए चंद पंक्तियां जो मुझे बहुत खूबसूरत लगती है। जिस काम में काम करने की हद पार न हो वो काम किसी काम का नहीं है। जिस भी काम को कर रहे हो पूरी जी जान झोंक दो उसके अंदर, और फिर देखिए कि आपको सक्सेस मिलती है नहीं मिलती है। आधी अधूरी तैयारी नहीं रखनी है। जो भी कुछ काम करना है 100% करना है, इसका ये मतलब है। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेरा आज का वीडियो है चीफ्स ऑफ आर्मी स्टाफ यानी कि थल सेनाध्यक्ष। पिछले कुछ प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने चीफ्स ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ्स ऑफ एयर स्टाफ हम लोग वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब के ऊपर, उसको ज़रूर देखिएगा। और आज का वीडियो बेस्ड है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थल सेनाध्यक्ष। विश्व भर के अंदर भारत की थल सेना का एक बहुत बड़ा नाम है, और जब जब युद्ध हुए हैं तो थल सेना ने देश के गौरव को बढ़ाया है और दुश्मन के दांतों को खट्टा किया है। तो इन्हीं जो थल सेना के जो चीफ रहे हैं उनको आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में, इन्हीं के मार्गदर्शन के अंदर फौजें लड़ती है और अपना मुकाम हासिल करती है। सो स्टार्ट करते हैं थल सेना अध्यक्ष यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। राइट, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थल सेना अध्यक्ष। नाउ सबसे पहले जो थल सेना अध्यक्ष है जनरल महाराज राजेंद्र सिंह जी, इनसे पहले भी रहे लेकिन वो सारे के सारे ब्रिटिशर्स रहे थे। भारतीय जो थल सेना अध्यक्ष के जो मुखिया रहे वो यहाँ से रहे, जनरल महाराज राजेंद्र सिंह जी। जनरल महाराज राजेंद्र सिंह जी, इनका जो सेवा काल, इनका जो कार्यकाल या टेन्योर रहा वो 15 जनवरी 1953 से लगाकर मई 14, 1955 तक रहा। वापस से बोलो, इनका जो कार्यकाल रहा वो 15 जनवरी 1953 से लगाकर 14 मई 1955 तक रहा। ये उनका पूरा कार्यकाल था। एक्चुअली इनका कार्यकाल दो बार रहा, एक बार पहले रहा और एक फिर बाद में रहा, इमीजिएटली एक के बाद एक, ठीक है ना। तो पूरे कार्यकाल की मैं यहाँ पर बता रहा हूँ बात, 15 जनवरी 1953 से लगाकर 14 मई 1955 तक इनका टेन्योर रहा। जनरल एस एम श्री नागेश, जनरल एस एम श्री नागेश ये राजेंद्र सिंह जी के बाद में ये थल सेना के अध्यक्ष बने। इनका टेन्योर रहा 15 मई 1955 से 7 मई 1957, 15 मई 1955 से लगाकर और मई 7, 1957 तक इनका टेन्योर रहा। इसके बाद में जनरल के एस तिमैया, जनरल के एस तिमैया ने कमान संभाली भारतीय थल सेना अध्यक्ष के तौर के ऊपर, और इनका कार्यकाल 8 मई 1957 से 7 मई 1961 तक रहा। इनके ठीक बाद में जनरल पी एन थापर, जनरल पी एन थापर ने थल सेना अध्यक्ष के तौर के ऊपर पदभार संभाला और इनका टेन्योर रहा 8 मई 1961 से 19 नवंबर 1962। जनरल जे एन चौधरी, जनरल जे एन चौधरी ने थापर, जनरल थापर के बाद में ये थल सेना अध्यक्ष के तौर के ऊपर पदभार संभाला और इनका कार्यकाल 20 नवंबर 1962 से 20 नवंबर 1962 से 7 जून 1966 रहा। जनरल पी पी कुमार मंगलम, इनका जो टेन्योर रहा, सेवा अवधि रही वो 8 जून 1966 से
7 जून 1969 तक इनका टेन्योर रहा। फील्ड मार्शल एस एच एफ जे मानेकशॉ, इनका टेन्योर कब से कब तक रहा? 8 जून 1969 से 15 जनवरी 1973 तक रहा। जनरल जी जी बेबूर इनका सेवाकाल 16 जनवरी 1973 से 31 मई 1975 तक रहा। जनरल टी एन रैना, इन्होंने थल सेना अध्यक्ष के तौर पर देश को सेवाएं 1 जून 1975 से 31 मई 1978 तक दी। जनरल ओ पी मल्होत्रा इन्होंने 1 जून 1978 को थल सेना अध्यक्ष का पदभार संभाला और इन्होंने 31 मई 1981 तक भारतीय थल सेना अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दी। जनरल मल्होत्रा के बाद में जनरल के वी कृष्णा राव ने पदभार संभाला और 1 जून 1981 से लगाकर 31 जुलाई 1983 तक ये देश के क्या रहे? थल सेना अध्यक्ष। जनरल ए एस वैद्य 1 अगस्त 1983 से 31 जनवरी 1985 तक ये थल सेना अध्यक्ष रहे। जनरल के सुंदर जी 1 फरवरी 1985 से 31 मई 1988 तक ये देश के थल सेना अध्यक्ष रहे। इनके बाद में जनरल वी एन शर्मा ने पदभार संभाला और ये 1 जून 1988 से 30 जून 1990 तक थल सेना अध्यक्ष रहे। जनरल एस एफ रॉड्रिक्स आपने 1 जुलाई 1990 से 30 जून 1993 तक देश को सेवाएं दी थल सेना अध्यक्ष के रूप में। जनरल बी सी जोशी, आपका कार्यकाल 1 जुलाई 1993 से 19 नवंबर 1994 तक रहा। जनरल एस राय चौधरी थल सेना अध्यक्ष के तौर पर आपने 20 नवंबर 1994 को ज्वाइन किया और 30 सितंबर 1997 तक ये देश के थल सेना अध्यक्ष रहे। जनरल वीपी मलिक, 1 अक्टूबर 1997 से 30 सितंबर सन 2000 तक ये देश के थल सेना अध्यक्ष रहे। जनरल एस पद्मनाभन आपने कब से कब तक? अक्टूबर 1 2000 से दिसंबर 30 2002 तक देश को सेवाएं दी थल सेना अध्यक्ष के रूप में। जनरल एनसी विज 31 दिसंबर 2002 से 31 जनवरी 2005, वापस से बोल रहा हूँ, जनरल एनसी विज 31 दिसंबर 2002 से 31 जनवरी 2005 तक देश के थल सेना अध्यक्ष रहे। जनरल जे जे सिंह आपने 1 फरवरी 2005 को थल सेना अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला और 30 सितंबर 2007 तक ये देश के थल सेना अध्यक्ष रहे। जनरल दीपक कपूर 30 सितंबर 2007 से 30 मार्च 2010 तक ये देश के थल सेना अध्यक्ष रहे। जनरल वी के सिंह 31 मार्च 2010 से 31 मई 2012 तक ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे, यानी कि थल सेना अध्यक्ष रहे। जनरल विक्रम सिंह, 1 जून 2012 से 31 जुलाई 2014 तक देश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे। जनरल दलबीर सिंह, आपका कार्यकाल 1 अगस्त 2014 से 31 दिसंबर 2016 तक रहा। जनरल बिपिन रावत 1 जनवरी 2017 से लेकर और 31 दिसंबर 2019 तक देश के चीफ रहे आर्मी स्टाफ के। और एट प्रेजेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे
जनरल मनोज मुकुंद नरवने, आपने 31 दिसंबर 2019 को पदभार संभाला और अब तक एट प्रेजेंट टिल डेट तक आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, थल सेना अध्यक्ष हैं। ये जितना भी हमने अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं, आपका एक स्वर्णिम सभी का इतिहास रहा है और इनके कार्यकाल में अनेक बार कई युद्ध हुए, हमारी सीमाओं के ऊपर जो युद्ध हुए उसमें थल सेना का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इनके योगदान को, इनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। और हम लगातार आप लोगों के लिए चैनल पर बहुत बढ़िया कंटेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं और आप जो डाटा हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। कोशिश रहती है कि आपके सामने बहुत बहुत 100% डाटा, यहाँ पर ऑथेंटिक डाटा को प्रोड्यूस करने की हम कोशिश करें। तो इसी तरीके से प्यार और मोहब्बत बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। हर एक बच्चा, कम से कम एक बच्चे को आप ज़रूर शेयर करें वीडियोस को, क्योंकि आज की जो ये सब चीज़ें हैं ये नीड है। मैं किसी क्लास में पढ़ा रहा था तो उस क्लास में पढ़ाते पढ़ाते मैंने किसी बच्चे से पूछा कि देश के वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो वो बच्चा नहीं बता पाए। 80% क्लास में बच्चे नहीं बता पाए। अरे देश के प्रेसिडेंट का नाम पूछ लो तो बच्चों को मालूम नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हर एक बच्चा 9th क्लास ऑनवर्ड्स से ही इन सब चीज़ों को जाने, ताकि आगे चलकर उसको जीके जीएस वगैरह जो है उसके अंदर प्रॉब्लम ना आए। देखिए जीके ऐसी चीज़ है जो एक या दो महीने के अंदर आप नहीं पढ़ सकते हो। आपको किसी भी एग्ज़ाम को आगे चलकर फ्यूचर में आपका प्लानिंग है कि आप उस एग्ज़ाम को, बड़े से बड़े एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो, तो दिस इज़ द टाइम। लोग ये कहते हैं कि आरएएस आईएएस और बड़े बड़े एग्ज़ाम्स के अंदर सेलेक्शन नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। आपकी तैयारी अधूरी रहती है। यदि बिगनिंग से ही आप यदि तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो बेशक कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका सिलेक्शन ना हो। तो अभी से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। ये जो वीडियोस आ रहे हैं ये वीडियोस आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी जनरल स्टडीज़ जीके जीएस वगैरह आती है, उन सब के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होंगे। सो आज के लिए इतना ही, हम कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में मिशन कॉम्पिटिशन में ठीक 8 बजे।